जी हाँ दोस्तों, आज कितने बजे आंसर की आएगी, यही सवाल दोस्तों लगातार यूट्यूब पर चल रहा है। और आप भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मुझसे कमेंट बॉक्स में यही पूछ रहे हैं कि भैया आज की आंसर की आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, यहाँ पर आज या जो है आंसर की को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देख लेना दोस्तों, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कोडिंग से आंसर की निकल रही थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, कोडिंग से आंसर की जो निकल रही थी, जो भी भाई कोडिंग से आंसर की निकाल रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है कि ये जो आंसर की निकल रही है ये रियल है या दोस्तों फर्जी तरीके से आंसर की निकाली जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो एरर दिखा रहा है, प्रोसेसिंग फेल्ड दिखा रहा है, ये क्या है, ठीक है। और जो ऑफिशियल आंसर की का जो लिंक है वो कब तक एक्टिवेट होगा, ये आपका सवाल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आप लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, एक भाई हैं यहाँ पर लक्ष्मी प्रसाद जोशी, और इन भाई ने मेरे पास मैसेज भी किया कि आप मेरी पर्सनल डिटेल्स मत दिखाइएगा। तो मैंने उनसे बोला कि भाई जिनको आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बोल रहे हैं वो खुद निकाल रहे हैं, आपकी लगातार वीडियो बना रहे हैं, उनसे तो आपने एक बार भी नहीं बोला। लेकिन मैंने जब दोस्तों ध्यान से देखा तो पर्सनल डिटेल्स ही दोस्तों पूरी तरह गलत है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि आंसर की रियल है या फेक है। बिल्कुल आराम से देखिए, देखो दोस्तों जो कोडिंग से निकाल रहा है बंदा, यहाँ देखो दोस्तों सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। रोल नंबर भी है, अरुण कुमार नाम भी है, डीडी कॉलेज भी है, 28/2/2024 की डेट भी है। लेकिन आपने एक बार ध्यान से देखी होगी, वो किसी भी यूट्यूबर ने इस पर फोकस नहीं किया, जब मैंने ध्यान से देखा तो सब कुछ पता चल गया। देखो ये इस एग्जाम डेट पर, एग्जाम टाइम पर दोस्तों आप फोकस करो, 11:30 AM से 12:30 PM यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आप खुद देखिए दोस्तों, जो 11:30 AM से 12:30 PM लिखा हुआ है। तो ये क्या रियल है, क्या सही है, आप खुद बताइए। 12 बजे के बाद दोस्तों PM ही हो जाता है, रियल बात है ये। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये जो PM लिखा हुआ है ये गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि PM नहीं AM होना चाहिए था। तो उनको मैं बता दूं दोस्तों कि भाई PM ही सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है AM PM में बदल जाता है, दोपहर के 12 बजे के बाद, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, लेकिन आंसर की में कहाँ मिस्टेक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको। देखो ये यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई देगा, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। तो शुरू बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, शुरू दोस्तों किस प्रकार लिखा जाएगा यह आपको भी पता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ हिंदी के आप छात्र रहे हैं, हिंदी आप दोस्तों SSC GD में पढ़ रहे हैं, वर्तनी आपने पढ़ी होगी, तो इस प्रकार से दोस्तों ये एडिट करके बनाई जा रही है। यहाँ पर जो कोडिंग वगैरह कुछ नहीं है, एडिट करके बनाई जा रही है, रियल बात तो यही है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिशियल की आंसर की, कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की को लेकर दोस्तों बताया जा रहा है कि आज दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी का, ठीक है, आप सभी का जो आंसर की है वो आज जारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तक दोस्तों देखो आंसर की तो आई नहीं है, फिलहाल दोस्तों अपडेट यही आ रहा है, लगातार वीडियो बन रही है कि आंसर की आ जाएगी। और बहुत सारे दोस्तों जो हैं वो भी वायरल हो रहे हैं कि उस पर टाइमिंग लिखा आ गया है कि इतने बजे जारी होगी, वो सब फेक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये बोला जा रहा है कि भाई साहब आंसर की जो है इस तरीके से लिखी आ चुकी है, द लॉग इन टू फ्रॉम विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 19 मार्च 3 बजे से लेकर दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे 26 मार्च तक आंसर की आप चेक कर पाएंगे, शाम के 4 बजे तक ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल दोस्तों ये एडिट किया हुआ है, बिल्कुल सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर है, ठीक है। 19 तारीख को आंसर की बताई जा रही है कि 19 तारीख को आपकी आंसर की आएगी, ये यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये एडिट करके बनाया है या कुछ बन के बनाया, क्योंकि मैं जब लिंक खोल रहा हूँ, मैं आपके सामने लिंक ओपन करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। देखो मैं आपको लिंक ओपन करके दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव। यहाँ पर देखिए मैं एक रोल नंबर डालता हूँ, एक भाई का पासवर्ड भी डाल देता हूँ यहाँ पर, और देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो क्या लिखा आएगा, कुछ लिखा आया बताइए, कुछ लिखा है, क्लोज करके दिखाएंगे तो अभी बस यही लिखा आ रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से लिखा रहा है, वो सब दोस्तों एडिट करके बनाया जा रहा है, तो उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, यही लिखा आ रहा है भाई साहब यहाँ पर आप देखिए, और कुछ इसमें है ही नहीं, कहीं भी क्लिक कर लो कुछ भी चमकेगा। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, लगातार जैसे यहाँ पर लिखा आता है कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो कोडिंग वगैरह से बोला जा रहा है, कोडिंग से निकल रहा है, कोडिंग से भी नहीं निकल रहा है। अब आंसर की का दोस्तों अपडेट यही है कि आंसर की आप सभी की जो जारी होगी वो दोस्तों अब यहाँ पर या तो दोस्तों आप सभी की इसी हफ्ते जारी हो जाएगी, जी हाँ इसी हफ्ते, कोई फिक्स डेट किसी को नहीं पता है, रियल बात तो यही है। तो आंसर की को लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो,
बस अपने दोस्तों जो फिजिकल हैं उस पर फोकस कीजिए। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि दिल्ली पुलिस जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है 80,000 में से दोस्तों, 80,000 में से, जी हाँ 80,000 में से केवल दोस्तों 8,000 बच्चे ही पास हो पाए। यानी यहाँ पर आप खुद देखिए 90% लोग फिजिकल में बाहर हो गए। थोड़ा फिजिकल टफ है एसएससी के अकॉर्डिंग, एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस का, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपनी फिजिकल की तैयारी पूरी करके चलिएगा। आंसर की कभी भी आ जाए लेकिन रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा, और ना ही आपको दोस्तों ज़्यादा टाइम देंगे वो फिजिकल के लिए। इसलिए अपने फिजिकल को फोकस करके चलिए ज़्यादा। और 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आसान भी है, आसान नहीं भी है। उन लोगों के लिए आसान भी हो सकती है जो प्रैक्टिस करेंगे, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकती है जो इसको मज़े में लेके चलेंगे कि यार 5 किलोमीटर की तो बहुत आसान है और आराम से हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और एक साथ आपके लिए 5 किलोमीटर दौड़ बहुत ज़्यादा, आपको ये समझिए ऐसे लगेगी कि भाई ये क्या चीज़ है यार, इसको तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए आप उस पर फोकस भी करते रहिए साथ के साथ, ठीक है। और लिंक जो दोस्तों ये एक्टिवेट की जो बात की जा रही है, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि एक्टिवेट हो गया है, 19 तारीख को दिखा रहा है, कुछ 18 तारीख को बता रहे हैं, बहुत सारी फेक चीज़ चल रही है। और एक ये फेक यूट्यूबर है दोस्तों जो लगातार कोडिंग से आंसर की निकाल रहा है, तो उसके चक्कर में बिल्कुल बताइए, वो बिल्कुल फेक है। मैंने आपको दोस्तों दिखा दिया कहाँ कमी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये सब बिल्कुल कोडिंग। अगर इन पर कोडिंग आती तो ये यही रहते क्या यार, कोडिंग से अच्छी खासी अपनी इनकम करते, यहाँ पर थोड़ी रहते, ये आंसर की थोड़ी निकालते, 1,000 सब्सक्राइबर के पीछे रोना थोड़ी रोते अपना कि मेरे 1,000 सब्सक्राइबर करा दो फिर मैं आपको सिखा दूंगा। और अभी तक दोस्तों एक भी फुल यहाँ पर आंसर की नहीं देखी आपने, फुल आंसर की जिसको बोलते हैं, एक भी आंसर की फुल नहीं है, सिर्फ जीके के क्वेश्चन मैच है। और जीके के क्वेश्चन वो भी जो मैच है वो भी दोस्तों किसी ना किसी यूट्यूबर की वीडियो देखकर मैच किए जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर जीके के क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, अगर ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं तो फिर ये रियल है, वरना ये मेरी तरफ से तो बिल्कुल फेक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों फिजिकल का दोस्तों जो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है इम्पोर्टेंट नोटिस जो आया है दोस्तों आप सभी का, ये भी वायरल किया जा रहा है कि फिजिकल आपके 12 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है डेट फिजिकल की, 12 अप्रैल से लेकर 3 मई तक फिजिकल बताए जा रहे हैं, जिसके ई एडमिट कार्ड के बारे में बात कही जा रही है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि ये बिल्कुल इतना दोस्तों आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अगर इतना ही इस नोटिस रियल होता तो कुछ तो सही दिखाई देता हो दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह ये देखिए आप फेक दिखाई दे रहा है मुझे तो, क्योंकि ना ही दोस्तों इसमें सही से कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये रियल भी होता तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो है ये जो लिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर 12/4/2024 से ये फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मैं मान के चलता हूँ, ये बोल रहा है कि क्वालिफाई शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड जो होंगे उनका फिजिकल 12 तारीख से शुरू है, लेकिन इसमें एक कमी ये आपको दिखाई दे रही है, ना ही दोस्तों इसमें कोई आपको देखिए कोई डेट दिखाई दे रही है, कोई डेट आपको दिखाई दे रही है कि इस डेट को ये नोटिस आया, नहीं बस सिग्नेचर कॉपी करके दोस्तों चिपका दिए यहाँ पर कहीं से अलग से कॉपी करके चिपका दिए सिग्नेचर और ये बना दिया है। ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना, जो ये आपका नंबर है जो लिखा हुआ है ये भी रॉन्ग है भाई, ये भी पुराना है, ठीक है, इसका कोई भी अपडेट नहीं है, नया नंबर है ही नहीं है। तो अभी ना ही दोस्तों आंसर की का अपडेट है, ना ही फिजिकल का अपडेट है, कोई भी अपडेट फिलहाल नहीं है। अब सिर्फ यही अपडेट आपको रहेगा कि फिजिकल की तैयार करते रहिएगा, क्या पता दोस्तों ये डेट जो है सब लोग फेक मान रहे हो, और क्या पता इसी डेट से फिजिकल करा दे वो, क्योंकि भाई आजकल में आंसर की आ जाएगी ये तो निश्चित सी बात है, ठीक है, आजकल के अंदर आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों फिर बाद में आप सभी का जो फिजिकल की डेट है वो भी अगर उन्होंने निकाल दी, क्योंकि उसके 7 या 8 दिन बाद वो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट भी अपडेट करा देंगे, आंसर के आने के बाद 1 हफ्ते बाद रिजल्ट भी अपडेट करा देंगे, और रिजल्ट के बाद दोस्तों ज़्यादा टाइम वो नहीं देंगे। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो आंसर की है वो अब तो निकल जाएगी दोस्तों 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट भी दोस्तों इसी इसी जो है महीने के अंदर वो दे सकते हैं, अगर ऐसा रहा तो, अगर आंसर की 1-2 दिन के अंदर आ जाती है तो रिजल्ट भी इसी महीने में आ जाएगा, और अप्रैल में दोस्तों फिजिकल जो है शुरू हो सकते हैं लास्ट तक, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, अपनी जो फिजिकल की तैयारी है उसको पूरा करके चलें, ठीक है। वैसे टाइम मिलता है फिजिकल में, लेकिन दिल्ली पुलिस को देखते हुए बहुत ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे भी से बोल रहा हूँ पहले फिजिकल पर फोकस करें, आंसर की आपको मिल जाएगी इसके बारे में अपडेट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।